बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। औरत जब शोहर को तंजिया कहती है कि आपको तो बस एक ही काम की मोहब्बत है, तो हकीकत में उसी शाह को काट रही होती है जिस पे उसका आशियाना होता है। दरहकीकत यही एक मोहब्बत है जो अपनी माँ और बहन से नहीं कर सकता, और यही मोहब्बत मियाँ बीवी के दरमियान पुल की हैसियत रखती है। ये कोई ऐप नहीं या जिसका ताना दिया जाए। संजीदगी से गौर किया जाए तो इस रिश्ते के अलावा औरत से मर्द का क्या ताल्लुक है। यही वो अमल है जिससे वो मोहब्बत और रहमत जनरेट होती है, जिसका हवाला अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दिया है। सूरह रोम की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारी जिन्स से तुम्हारी बीवियाँ बनाई ताकि तुम उनसे सुकून पाओ और रखे तुम्हारे दरमियान हमदर्दी और रहमत। इसमें बड़ी निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए। इसी जिनसी ताल्लुक की मोहब्बत और रहमत की कुव्वत से इंसान खम ठोंक कर हर रिश्ते के सामने खड़ा हो जाता है। पैदा करने वाली माँ, एक प्लेट में खा कर साथ बनने वाले बहनों, पालने वाले बाप की आंखों में आंखें डालकर बीवी का दिफा करता है। जो औरत जिनसी तौर पर शोहर को दूर कर देती है वो दरअसल हाथ में आया हुआ अलादीन का चिराग गुम कर देती है। जो बीवी मर्द को अपने नशे का आदी रखती है वो ना सिर्फ शोहर, सास, ससुर और नंदों पर बल्कि बेटों और आने वाली बहू पर भी अपनी कमांड बरकरार रखती है। बाकी सारी बातें फैंटेसी के सिवा कुछ भी नहीं। अपने बनाव सिंगार, अपनी आदात व अतवार, मायने खेज जुमलेबाजी के जरिए शोहर के जिनसी जज्बे को मुश्तर और वर्किंग पोजीशन में रखने वाली ही नूरजहां और मुमताज़ महल बनती हैं। यही एक रास्ता है दूसरी और तीसरी बीवी का रास्ता रोकने का। नशाई को जब तक करीब तरीन दुकान से नशा दस्तियाब रहता है वो कभी दूर की दुकान पर नहीं जाता। इस बात को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमले में अदा फरमा दिया कि जब शोहर उसको देखे तो वो उसको खुश कर दे।